हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है टिकटॉक पे टे है इश्क में हम पर कोई गम नहीं है, ये साउंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साउंड पे आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो परफेक्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ आप इसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट और साउंड इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और वीडियो में आपको स्लो मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सारे यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना है 5 से 7 सेकेंड का। अब वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आउटडोर शूट करना है, आपके वीडियो में बैकग्राउंड में आपका पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस तरह के परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं। और इसके बाद वीडियो जब आपका शूट हो जाएंगे, यदि आप वीडियो के बैकग्राउंड आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से 3D Loot एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन से बिल्कुल आसानी से आप वीडियो के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है वीडियो के बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं 3D Loot एप्लीकेशन से, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और एक काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे है, सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो आपका कुछ इस तरह का है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है 2 वीडियो, उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे छः सेकेंड का 2 वीडियो शूट कर रखा हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, सेकेंड वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो आपको भी अलग अलग एंगल में वीडियो को शूट कर लेना है, और वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप वीडियो के बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप 3D Loot एप्लीकेशन से वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें करना क्या है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पे हमारा वीडियो जो चाहिए 4 सेकेंड के आसपास चाहिए, वीडियो के 4 से 5 सेकेंड तक आपका चल सकता है। तो मैं यहाँ पे 4.5 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं, कैची के निशान पे क्लिक करते हैं और स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से है और इसी में हमारा सेकेंड पार्ट का भी वीडियो शूट किया गया है। तो आपको ये देखना है सेकेंड पार्ट का वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है या फिर वीडियो को प्रेस करके रखना है, इसे आपको इस तरह से प्रेस करना है, इसे लास्ट में लेकर आ जाना है। फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से आ गया, सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से आ गया, थर्ड वीडियो आपका कुछ इस तरह से आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। ऑडियो पे क्लिक करना है, इसको आपको कुछ इस तरह से लास्ट में लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ इस वीडियो में से आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड इन सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड किए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको 3 से 4 सेकेंड तक आपको इस लड़की का वीडियो लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे फिर से हमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड करना है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं एक्सीलेशन पे। यदि आपके काइनमास्टर में एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो गेट मोड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको काइनमास्टर स्टोर से
एक्सेलेशन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हम स्पीड इन सेलेक्ट किया था फर्स्ट में, तो यहाँ पे हम स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। तो इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लास्ट का पार्ट जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपल वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। हमारा वीडियो तो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट जहाँ पे हम लगाए हैं यहाँ पे हमें साउंड भी लगाना है। सिंपल वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहीं इस तरह से लास्ट पॉइंट पर आ जाएंगे। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट का वीडियो मैंने दे रखा हूँ, वहाँ से आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 10-15 ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या, आपको एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड ऐड करना है। तो इसके लिए आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड है। तो आपको करना क्या है, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं साउंड हमारा आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, इस पर आएंगे, लास्ट पे इस तरह से आ जाना है। इसके बाद इस आइडियो वाला साउंड पर क्लिक करेंगे जिस पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड है, इस पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है और यहाँ तक आना है। और इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड जो है राइट साइड का, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस पर फिर से इसी साउंड पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। इस साउंड पे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको कर देना है इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड के सामने जस्ट। अब आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में जो साउंड जो है हमारा स्लो हो जा रहा है। वीडियो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता था वो आप स्लो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्लो मोशन भी यूज कर चुका हूँ वीडियो में। स्लो मोशन कैसे यूज करना है मैं आपने बता चुका हूँ ऑलरेडी, इस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। तो दोनों में आपको स्लो मोशन वीडियो यूज कर लेना है। इसके बाद ट्रांजेक्शन इफेक्ट किस तरह से लगाना है वो भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद ट्रांजेक्शन साउंड कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने तीनों कवर कर चुका। इसके बाद आपको अगर कोई अदर साउंड ऐड करना चाह रहे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, किसी भी वीडियो का साउंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को आपका साउंड ऐड करना है। वीडियो को क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पर साउंड ऐड हो चुका है। इसके बाद इसे हम पहले वाले साउंड को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं आपको, या फिर आइडियो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको साउंड भी बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के वीडियो को टाइम इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो आप बना सकते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, उसी वीडियो को साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।